गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं कहाँ पे हम आ चुके हैं। ये आपका सीन है बाईपास, जहाँ पे पुराना बस स्टैंड हुआ करता था, उसी के बगल में ये आपका बना हुआ। करे देखिए, आपका टॉपिक यही है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। आप इधर जाइएगा तो करीब या फ्लाईओवर का जो काम चल रहा है वो अपडेट में अपना चल रहा है। काम बहुत तेज़ी से उसका काम लगा हुआ है, बन रहा है पुल, फ्लाईओवर है जो मीठापुर वाले से कनेक्ट हो जाएगी। और इधर देखिए, इस बिल्डिंग के करीब बाईपास है। राइट साइड आप चले जाइएगा, एम्स निकल जाएगा। लेफ्ट चले जाइएगा, फतवा वतवा निकल जाइएगा। गांधी से तो अगर पकड़ना होगा तो वहाँ भी निकल जाइएगा। इधर देखिए, ये मौलाना उर्दू फारसी विश्वविद्यालय है। बहुत ही तेज़ी से इसका निर्माण हुआ था, देख लीजिए, बहुत ही सुंदर है, एकदम मुंबई का ताज होटल की तरह पटना में बन गया है विश्वविद्यालय। उर्दू फारसी बहुत ही खूबसूरत है, इसको हम जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए क्या डिजाइन बना है, ये नाइट सीन आप देख रहे हैं, बहुत ही सॉलिड बना हुआ है, देख सकते हैं आप। इधर भी देखिए, इसके ऊपर में घड़ी भी है, घड़ी नहीं है, घड़ी जैसा डिजाइन है, बहुत ही खूबसूरत है। और सबसे खास बात, इस विद्यालय के बगल से मेट्रो जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, पटना मेट्रो आपको दिख जाएगा लिखा हुआ। इसी के बगल में स्टेशन भी बन रहा है जो इस लाइन को कनेक्ट करेगा, देख सकते हैं आप। मेट्रो का भी काम बहुत तेज़ी से चालू है। इस रोड में आपको दो ऑफर मिलेगा, एक फ्लाईओवर का, एक मेट्रो का। बहुत ही सॉलिड डिजाइन से इसको बनाया गया है। इस लाइन में आपको एक से एक यूनिवर्सिटी मिलेंगे पढ़ाई लिखाई करने के लिए पटना में। पुराना वाला बस स्टैंड यहीं था, सबसे पुराना वाला हार्डिंग रोड में था जो हम आपको बताए थे। अब गांधी मैदान का भी बस का जो सेवा है वो फुलवाड़ी शरीफ से होने वाला, आपको तो पता ही होगा। बहुत खूबसूरत है ये। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, आपको इससे भी अच्छे अच्छे अपडेट देंगे हम आपको। धन्यवाद।